कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, सकती हूँ मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं, ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अर्जुन मुझसे रुककर बिना बताए चला गया था। ताज्जुब की बात यह थी कि वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा था। इतनी क्या नाराजगी हो सकती है मुझसे। मैं अगले दिन सुबह घर के छत पे परेशान खड़ी थी। अर्जुन का फोन नहीं लगा तो मैंने एसपी मधोक को कॉल लगाया। मधोक जी, वो अर्जुन का फोन बंद आ रहा है, उससे बात करनी है। स्नेहा, मुझे तो लगा कि अर्जुन वहीं पर है, वो तो यहाँ आया ही नहीं आया। ठीक है, मैं पता करके थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ। जी ठीक है। स्नेहा, स्नेहा। हाँ पूरब भैया, आ रही हूँ। अरे मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो क्या हुआ भैया? स्नेहा, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो भैया। सुनील बाबू का फोन आया था, भोपाल फैक्ट्री के लिए हमें कल ही निकलना होगा। मैंने बात की, इतनी जल्दी कैसे निकल पाऊंगा, पर उनका काम जरूरी है। समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी मैं कैसे जाऊँ, नहीं तो मैं मना कर देता हूँ। नहीं भैया, बाद में नहीं, तुम उन्हें हाँ कह दो। स्नेहा, पर जिंदगी को फिर से सवारने का जो मौका तुम्हें आज मिला है, वो हाथ से जाने मत दो भैया। मैं हूँ ना यहाँ पे, प्रीता भी है साथ में, तुम भोपाल जाओगे। इस बुआ जी की भी कोई सलाह मशविरा ले लो, देखा हा? तुम्हें भी भेला फुसला के घर से भेज रही है ये लड़की। अरे घर का इकलौता बेटा भला घर छोड़ के जाता है कहीं? अरे संपत्ति के वारिस हो तुम। बुआ जी, आपको भैया को गले लगा के आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन आप उसे आगे बढ़ने के बदले फिर से दलदल में गिरने का इशारा दे रही हैं। पूरा देखो भाई, इसको समझा दो। हाँ, बहसबाजी नहीं करना हमको इसके साथ। हाँ। स्नेहा जो कह रही है वो गलत नहीं है बुआ। वैसे भी कल रात में ही आप बहुत कुछ अनाप शनाप कह चुकी हैं, फिर से शुरू मत कीजिए। क्यों, बहन ने तुम्हारे पॉकेट में भी पैसे धर दिए हैं क्या, जो उसी की बोली बोल रहे हो बुआ? हाँ हाँ चिल्लाओ। अरे चाहो तो हम पे हाथ भी उठा दो, और का बाकी रह गया देखने को। लेकिन एक बार याद रखना, स्नेहा इस घर को जो पट्टी पढ़ा रही है ना, उस पर तुम लोग चले तो वो खुद तो डूबेगी, तुम सब लोगों को भी ले डूबेगी। हाँ, और ये कोई मशवरा नहीं है, चेतावनी है, चेतावनी। हम जा रहे हैं मंदिर पूजा करने और घर के लिए सुपुत्री मांगने। बुआ, बुआ के मन का गुस्सा है ये या मेरे प्रति उनका अंधा प्यार, पता नहीं। स्नेहा, तुम बुआ की बातों को दिल से मत लगाना। स्नेहा, तुम मेरे लिए बस एक छोटी बहन नहीं, एक बड़ी प्रेरणा हो। तुमसे मुझे बहुत हिम्मत मिली है। ये हिम्मत मेरी दी नहीं है भैया, आपके अंदर की है, जो कभी कमजोर पड़ गई थी, पर यही हिम्मत आपको बहुत आगे ले जाएगी। हम सबकी जिंदगी के उतार चढ़ाव आपके सामने है, सबकी जिंदगी के अलग अलग रंगों को आपने देखा सुना, लेकिन कोई और भी थी प्रतापपुर में, जो दूसरों की जिंदगी सवारने को ही खुद की जिंदगी समझती थी। उनसे अभी तक मैं भी नहीं मिली थी। वो थी इस गांव की आशा, जिसका नाम था नीलिमा। नीलिमा से कई जिंदगियों की तार जुड़ी हुई थी, जैसे कि गायत्री जो गर्भवती थी और उसके पति शंकर से। अरे घबराओ नहीं, लंबी सांस लो, कुछ नहीं होगा। हमरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ होगा तो नहीं ना ई बार? सब ठीक होगा, आशा दीदी ने जैसा बोला था हमने वो सब किया है। हमने अस्पताल से एम्बुलेंस भी बुलवा लिया है और आशा दीदी को भी खबर भिजवा दी है, वो आती ही होंगी।
नीलिमा गायत्री को अस्पताल ले जाने के लिए बस आने ही वाली थी। उसके कहने पर गायत्री के पति ने सारी तैयारी कर ली थी। तुम्हारा सारा सामान भी बांध दिया है, जैसा आशा दीदी ने बोला था। दो जोड़ी साफ सुथरे कपड़े और जो पैसा जमा किए हैं वो। अरे लो, आशा दीदी आ गई। गायत्री, दर्द पूरी तरह शुरू हो गया है क्या? नीलिमा दीदी, इस बार एकदम फूंक फूंक कर कदम रखे हैं हम दोनों। दर्द शुरू होते ही मैंने आपको और एम्बुलेंस दोनों को खबर कर दिया। शंकर जी, क्या मानवता अस्पताल में पंजीकरण कराया था आपने? जैसा आपने बोला था, गर्भ ठहरते ही हमने मानवता में पंजीकरण और जांच करवाई। वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सुना है वहाँ बहुत ख्याल रखते हैं। नीलिमा दीदी, हमको पता नहीं क्यों डर लग रहा है। अरे, माँ बनने जा रही हो, डर किस बात का? हमारे सास ससुर तो एकदम भड़क रहे थे कि अस्पताल जाने की क्या जरूरत है, चीर फाड़ होगी तो। तो समझा दिया ना आप लोगों ने कि अस्पताल जाना क्यों जरूरी है। और क्या, अरे दो बार घर पे बच्चा बिगड़ गया, इस बार हम अड़ गए कि बच्चा अस्पताल में ही होगा। बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, प्रसव ठीक से होगा कि नहीं, ये सब घर पे थोड़ी ना पता चलेगा। अस्पताल में सब चीज की देखरेख होगी। अगर आपकी तरह हर पति अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखे तो हर माँ भी स्वस्थ होगी और बच्चा भी। स्वस्थ माँ से परिवार भी स्वस्थ और खुश। लो, एम्बुलेंस भी आ गई। अब बस बच्चे की किलकारी सुनने का इंतजार करो। हाँ, ये नीलिमा थी, इस गांव की आशा, जिससे अभी मेरी मुलाकात भी बाकी थी। उसकी नजरों से प्रतापपुर देखना अभी बाकी था। नीलिमा गायत्री के हौसले को बढ़ाती हुई उसे अस्पताल तक लेकर आई। एक अच्छी आशा की यही पहचान है कि वो हिम्मत बढ़ाए और सही और समझदारी से हर एक महिला का ख्याल रखे। मुन्ना एम्बुलेंस लेकर आया था। मुन्ना और नीलिमा बिल्कुल एक जैसे थे, सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले। गायत्री, हम तुम्हें एक चुटकुला सुनाते हैं, ऐसे हंसते हंसते अस्पताल पहुंच जाओगी। सुनो, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से आकर पूछता है कि माँ, क्या मैं भगवान हूँ? तो माँ ने पूछा, तुझे ऐसा क्यों लगता है? तो बच्चे ने कहा, जब भी पड़ोसी के घर जाता हूँ वो लोग कहते हैं, हे भगवान आ गया। नीलिमा जी, आप तो जादू करती हैं बस। देखिए, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हम तो यही कहते हैं कि चुटकुले से अच्छी कोई दवा नहीं। मुन्ना, आपसे ही तो सीखा है ये। देखो गायत्री, बस हंसते हंसते पूरी हिम्मत के साथ बच्चे को जन्म देना है, ठीक है? हाँ। आशा दीदी कमाल की हैं। इनके रहते हुए इतनी जानकारी और हिम्मत मिलती है कि किसी और की जरूरत ही नहीं। हाँ, एकदम सही कहा आपने। वैसे भी जहाँ हो आशा, वहाँ कभी ना आए निराशा। बिल्कुल ठीक कहा मुन्ना भैया आपने। सरला देवी से भी मिलना है मुझे। जान में जान आई ये सुन के कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। मुन्ना, वो अब ठीक तो है ना? हाँ, अभी ठीक है, पर आप उन्हें कैसे जानती हैं? समझ लीजिए, उनकी कई बेटियों की तरह मैं भी उनकी बेटी हूँ। वैसे काफी दिन हो गए आप हमारे अस्पताल नहीं आई। आपने दिल से याद नहीं किया होगा। मुन्ना नीलिमा को बहुत पसंद करता था, चेहरे पर जाहिर नहीं होने देता था। उधर मानवता में डॉक्टर जैन ने डॉक्टर सुमित को मिलने बुलाया था। डॉक्टर पूनम के जाने का समय आ चुका था और डॉक्टर जैन गंभीर सोच में थे। मानवता को उन्होंने एक पौधे की तरह सींचा था और अब उनकी उम्र हो गई थी। वो चाहते थे कि मानवता की जिम्मेदारी किसी ऐसे के हाथ में जाए जो उसे उसी प्यार से बड़ा कर सके। डॉक्टर सुमित, आज शाम डॉक्टर पूनम अपने नए अस्पताल का काम संभालने निकल रही हैं। मानवता हॉस्पिटल के लिए आप और डॉक्टर पूनम दोनों क्या मायने रखते हैं, ये मैं बहुत बार जाहिर कर चुका हूँ। जी सर। मैंने बहुत दिनों तक मानवता हॉस्पिटल की कमान संभाली है, अब डॉक्टर पूनम भी चली गई, अब तो तुम्हें ही। सर, हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर बात करना जरूरी है। डॉक्टर पूनम के बाद अब किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी ही होगी ना। डॉक्टर जैन, डॉक्टर पूनम जैसी डॉक्टर हम कहाँ से लाएंगे? नए डॉक्टर्स के लिए हम तलाश कर रहे हैं डॉक्टर सुमित, लेकिन मेरा मन है कि अब आप हमारी जिम्मेदारी लें और इस अस्पताल को उसकी मंजिल तक लेकर जाएं। आपका मुझ पर ये विश्वास मेरे लक्ष्य को बहुत मजबूत करता है सर। कभी भी मन में कोई शंका होती है ना, तो बस आपकी नजरों से खुद को देख लेता हूँ और वो शंका दूर हो जाती है। वैसे ये जिम्मेदारी तो आप उठा ही लेंगे,
लेकिन अपनी निजी जिंदगी में भी अब कुछ जिम्मेदारी उठाने का समय आ गया है डॉक्टर सुमित। सर अब आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। कोई तो होगी जो पसंद हो। नहीं। अरे भाई हमने कोई गलत तार वार तो नहीं छेड़ दिया? सर आपने तो पूरा सितार ही छेड़ दिया। डॉक्टर सुमित वाकई मानवता के बागडोर को संभालने के असली हकदार थे। मैं अपने घर में चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, अपने ख्यालों में डूबी हुई। मन बहुत परेशान था। अर्जुन बिना बताए कहाँ चला गया। तभी मीठी ने दस्तक दी। उसके हाथों में कुछ था। स्नेहा दीदी, आपके लिए ये सामान आया है और साथ में ये चिट्ठी भी है, ये लीजिए। अरे ये तो अर्जुन की चिट्ठी है और ये सोने के कंगन। अच्छा दीदी, मैं सोनू के साथ खेलने जा रही हूँ। हाँ स्नेहा, मैं प्रतापपुर आया था अपनी स्नेहा को गले लगाने, उसे हर मुसीबत और परेशानी से निकालने, अपनी दुनिया बसाने। लेकिन हर पल मुझे महसूस होता गया कि शायद तुम्हें मेरी उतनी जरूरत नहीं है। मेरे प्यार को कल तुमने बच्चों जैसी जिद कहा। हाँ सच है मुझ में जिद। या तो मुझे सब कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। मेरी माँ के कंगन भिजवा रहा हूं जो मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाना चाहता था, पर शायद तुम्हारे पास इन कंगन के लिए समय नहीं था। मैं मुंबई वापस जा रहा हूं, रूट कर नहीं, ना ही गुस्से में, लेकिन बहुत तकलीफ के साथ, क्योंकि जिस स्नेहा को मैं गले लगाने आया था उसे बिना गले मिले जा रहा हूं। तुम्हारा अर्जुन। कितने गिले और शिकवों को मन में रखे अर्जुन मुझसे दूर चला गया। ये चिट्ठी और कंगन मेरे हाथों में थे और आंखों में नमी। ऐसा लग रहा था कि बादल तड़प रहे हैं एक बार बरस जाने को, दिल हल्का करने को। अर्जुन और मेरे दरमियान कितना फासला आ गया था। क्या कभी वो दूर हो पाएगा? मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 0926899289 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 0926899289 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित।